हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अनलकी चैनल। जो बड़ी खबर अभी अभी यूनिवर्सिटी ने जारी किया, अवध विश्वविद्यालय की परीक्षा तिथि घोषित। जिन लोगों का जो एग्जाम बच गया था या कोविड-19 के कारण छूट गया था, उस एग्जाम का डेट यूनिवर्सिटी के थ्रू जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, जिन लोग चैनल पर नए हैं, उन लोग से अनुरोध है कि लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास ऐसा खबर टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए हम लोग जानते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या। एग्जामिनेशन स्कीम है कि बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट 1 एक्सटर्नल स्टूडेंट्स 2, 3 और 4 ईयर्स 2020, जो 25 तारीख छठा महीना 2020 को प्रकाशित किया गया है, निकाला गया है यूनिवर्सिटी के थ्रू। एग्जाम का जो डेट है 15 तारीख सातवा महीना 2020, जो पेपर 1 बीएससी पार्ट 1 का एक्सटर्नल स्टूडेंट का जो एग्जाम होगा 11:30 बजे सुबह से लेकर 1:30 PM तक। जो पहला सब्जेक्ट उनका है एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स। दूसरी बात है कि बीएससी पार्ट 2 का उनका टाइम टेबल जो है 3 बजे शाम से 6 बजे शाम तक। उनका सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री का। बीएससी पार्ट 3 उनका टाइम टेबल है 7 बजे सुबह से लेकर 10 बजे सुबह तक। उनका सब्जेक्ट जो है एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी का। दोस्तों, चौथी बात है बीएससी पार्ट 4 का। तो बीएससी पार्ट 4 का जो टाइम टेबल है 3 बजे शाम से लेकर 6 बजे शाम तक। इसका जो सब्जेक्ट है प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट्स का। सेकेंड पेपर जो होगा 16 तारीख को 16/7/2020। जो बीएससी पार्ट 1 एक्सटर्नल स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर बोटनी का। बीएससी पार्ट 2 उनका जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर इंजीनियर फर्स्ट। समय के अनुसार जो हो रहा है उसी होते आएगा एग्जाम। बीएससी पार्ट 3 का जो है दूसरा सब्जेक्ट प्लांट पैथोलॉजी। बीएससी पार्ट 4 का जो उनका सब्जेक्ट है रूरल सोशियोलॉजी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाला है 17 तारीख सातवां महीना 2020, जो शुक्रवार का दिन पड़ता है। थर्ड पेपर जो है बीएससी पार्ट 1 एक्सटर्नल स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट है लाइव स्टॉक एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। बीएससी पार्ट 2 उनका जो सब्जेक्ट है ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का। बीएससी पार्ट 3 का जो एग्जाम है थर्ड पेपर का एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड रूरल जर्नलिज्म का। चौथा जो एग्जाम है बीएससी पार्ट 4 का, जो उनका सब्जेक्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट डे जो एग्जाम होने वाला 18 तारीख सातवां महीना 2020, जो शनिवार का दिन पड़ता है। फोर्थ पेपर जो बीएससी पार्ट 1 का जो सब्जेक्ट होने वाला है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप्स एंड प्रोडक्शन। बीएससी पार्ट 2 का जो है डायरी केमिस्ट्री एंड एनिमल न्यूट्रिशन, जो पार्ट 2 का है। बीएससी पार्ट 3 का जो सब्जेक्ट है वेजिटेबल साइंस। बीएससी पार्ट 4 का जो सब्जेक्ट है फ्रूट साइंस। नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला है फिफ्थ पेपर उनका है 20/7/2020 सॉइल फर्टिलाइजर्स एंड मैनुअर्स, जो बीएससी पार्ट 1 एक्सटर्नल स्टूडेंट का सब्जेक्ट है। बीएससी पार्ट 2 उनका जो है सब्जेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड फार्म मैनेजमेंट। बीएससी पार्ट 3 उनका जो है डेयरिंग सब्जेक्ट का है। बीएससी पार्ट 4 का जो है सब्जेक्ट सॉइल एंड एनवायरमेंट का। नेक्स्ट डे जो एग्जाम है 21 तारीख सातवां महीना 2020, जो सिक्स पेपर है बीएससी पार्ट 1 का एक्सटर्नल स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। सेकेंड है बीएससी पार्ट 2 का जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सिक्स पेपर जो है। बीएससी पार्ट 3 का जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सेकेंड, जो 21/7/2020 को एग्जाम होने वाला है। बीएससी पार्ट 4 में किन्हीं का सब्जेक्ट नहीं है तो उसका एग्जाम उस दिन कैंसिल है, मतलब नहीं होगा। 22/7/2020 वेनसडे का दिन तो बीएससी पार्ट 1 का जो है फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश का सब्जेक्ट होगा। नोट एक दिया है, ऊपर दिए गए प्रश्न पत्र के क्रम में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है, इसको ध्यान से गौर से देखिएगा और हमेशा दिमाग में बैठा कर रखिएगा। वो तो बीएससी वाले था जिन लोग का एग्जाम छूट गया, अब थोड़ा जो है एक एमएससी एग्जाम का है, एमएससी एग्रीकल्चर के लिए जो प्रीवियस एंड फाइनल ईयर 2020 का होने वाला है, उनका भी 25/6/2020 को प्रकाशित किया गया है। तो एमएससी एग्रीकल्चर प्रीवियस ईयर यानी ओनली एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए जो है, केवल एक्सटर्नल स्टूडेंट, तो उनका जो पेपर है 16/7/2020 16 तारीख से है। उनका सब्जेक्ट एग्रोनॉमी में जो आता है,
यानी कि एमएससी एग्रीकल्चर में जो उन लोग का एक स्पेशल सब्जेक्ट होगा, जिन लोग एग्रोनॉमी से लिया है या हॉर्टिकल्चर से लिया है या सॉइल साइंस से या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से, एनिमल हस्बेंड्री से या डायरिंग से या जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग से एंटेमोलॉजी, उन लोग के लिए ध्यान से सुनिएगा जो सब्जेक्ट है उसे याद रखिएगा और समय के अनुसार एग्जाम दीजिएगा डेट शीट देख के। तो 16/7/2020 का जो है मॉडर्न कंसेप्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन जो एग्रोनॉमी के लिए है, एग्रोनॉमी का जो सेकेंड एग्जाम है 18 तारीख को, फिर 20 तारीख को, फिर 22 तारीख, फिर 24 तारीख को। उसी तरह हॉर्टिकल्चर का भी जो एग्ज़ाम है ओलेरिकल्चर 1, उनका भी 16 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख और 24 तारीख को है एग्ज़ाम। उसी तरह फिर सॉइल साइंस का है 16 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख और 24 तारीख को। एनिमल हस्बेंड्री का भी जो है 16 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, इन लोग का भी। जेनेटिक प्लांट्स एंड ब्रीडिंग जिन लोग सब्जेक्ट लिया है उनका भी पेपर जो है 16 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख और 24 तारीख 7/7/2020 को होगा। जिन लोग इंटोमोलॉजी से लिए हुए सब्जेक्ट उनका एग्ज़ाम जो होगा इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी का 16 तारीख 7/7/2020 का। क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट का जो एग्ज़ाम होगा 18 तारीख 7/7/2020 का। इंसेक्ट फिजियोलॉजी एंड न्यूट्रिशन का जो है 20 तारीख 7/7/2020 का। उसी तरह टॉक्सियोलॉजी ऑफ इंसेक्टिसाइड्स जो 22 तारीख 7/7/2020 का एग्ज़ाम होगा। उसी तरह इसेंशियल स्टैटिकल मेथड्स का जो सब्जेक्ट है उनका एग्ज़ाम होगा 24 तारीख 7/7/2020 को। तो दोस्तों इन लोग ध्यान से देखिएगा कि समय के अनुसार जाइएगा सेंटर पर, आधा घंटा पहले पहुँच जाइएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एग्ज़ाम का जो समय सीमा है 7 बजे सुबह से लेकर 10 बजे सुबह तक, जो 3 घंटा का टाइम है। तो दोस्तों जिन लोग के वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसका हम PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उस पर जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे उन लोग का भी एग्ज़ाम होगा जो है M.Com कर रहे हैं, B.Com कर रहे हैं या BA कर रहे हैं या BSc मैथ या BSc केमिस्ट्री जिन लोग भी है। उसी तरह MSc AG एग्रीकल्चर फाइनल ईयर का जो है, फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम होगा उसका टाइम 3 बजे शाम से लेकर 6 बजे शाम तक, इसको ध्यान से देखिएगा। तो एग्रोनॉमी का जो एग्ज़ाम होगा फाइनल ईयर का 16 तारीख 7/7/2020। उसी तरह हॉर्टिकल्चर का जो एग्ज़ाम होगा 16 तारीख 7/7/2020। सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम होगा 16 तारीख 7/7/2020। एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग का जो होगा एग्ज़ाम फर्स्ट पेपर का 16 तारीख 7/7/2020। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का जो एग्ज़ाम होगा 16 तारीख 7/7/2020 फर्स्ट पेपर का। एंटोमोलॉजी का जो भी होगा एग्ज़ाम 16 तारीख 7/7/2020 फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम होगा दोस्तों। उसी तरह एग्रोनॉमी का सेकंड पेपर जो होगा 18 तारीख का, हॉर्टिकल्चर का भी 18 तारीख को, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का भी 18 तारीख को, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी फार्मिंग का भी सेकेंड पेपर होगा 18 तारीख को, जेनेटिक्स प्लांट्स एंड ब्रीडिंग उसका भी होगा सेकेंड सब्जेक्ट 18 तारीख को, और इंटोमोलॉजी यानी कि पेस्ट्स ऑफ फील्ड एंड क्रॉप्स का जो एग्ज़ाम होगा 18 तारीख को, पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स। उसी तरह एग्रोनॉमी का जो थर्ड पेपर होगा 21 तारीख को, हॉर्टिकल्चर का भी 21 तारीख को, सॉइल साइंस का भी 21 तारीख को और एनिमल हस्बेंड्री डायरिंग का भी 21 तारीख का, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का भी 21 तारीख को, एंटोमोलॉजी नेमाटोड्स ऑफ नेमाटोड डिजीज ऑफ क्रॉप उनका भी जो होगा 21 तारीख 7/7/2020 को एग्जाम। उसी तरह एग्रोनॉमी का जो फोर्थ पेपर होगा 23 तारीख को, हॉर्टिकल्चर का भी 23 तारीख को, और सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री उसका भी एग्जाम होगा 23 तारीख को, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी उनका भी जो होगा 23 तारीख को एग्जाम, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग उनका भी एग्जाम होगा 23 तारीख 7/7/2020 से, एंटोमोलॉजी उन लोग का भी एग्जाम होगा 23 तारीख 7/7/2020 से फोर्थ पेपर का। अब फिफ्थ पेपर का जो एग्रोनॉमी का एग्जाम होगा 25/7/2020 सैटरडे को, एग्रोनॉमी का जो एग्जाम नहीं है उस दिन, तो उस दिन छुट्टी रहेगा। हॉर्टिकल्चर का जो एग्जाम होगा 25 तारीख 7/7/2020 को, एग्रोनॉमी का कोई भी एग्जाम नहीं है फिफ्थ। हॉर्टिकल्चर का एग्जाम होगा 25 तारीख 7/7/2020 को, हॉर्टिकल्चर वाले ध्यान दीजिएगा। उसी तरह सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का
25 तारीख 17 महीना कोई सब्जेक्ट नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी उनका एग्जाम होगा 25 तारीख 17 महीना 2020 को, जो उनका सब्जेक्ट होगा एनिमल ब्रीडिंग। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का 25/7/2020 को उसका एग्जाम कैंसिल है, मतलब नहीं होगा। एंटोमोलॉजी का भी एग्जाम नहीं है। थैंक्स दोस्तों।